वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज वीडियो कुछ अलग होने वाला है, तो मैं ट्राई कर रहा हूँ ब्लॉगिंग स्टाइल में आप लोग को अनबॉक्सिंग देने के लिए। आई होप आप लोग को अच्छा लगेगा। थोड़ा सा मेरा वर्क शेड्यूल में थोड़ा सा हेक्टिक चल रहा था, इस वजह से मैं रेगुलर वीडियोज आप लोग के लिए नहीं ला पा रहा हूँ, तो उसके लिए आई एम सॉरी। कोशिश करूंगा हर डे एक वीडियो नया देने के लिए आप लोगों को, और मैं कुछ नया भी ट्राई कर रहा हूँ वीडियोस में इंक्लूड करने के लिए। तो कुछ दिनों में मेरा नया सेटअप से भी मैं वीडियो करना स्टार्ट कर दूंगा। तो आज हम अनबॉक्सिंग करेंगे रेडमी के 12C मॉडल की, जो लेटेस्टली लॉन्च हुआ है। तो उसकी क्या क्या फीचर्स है, कैसे कैसे वेरियंट्स में आते हैं, सारा कुछ आप लोगों को मैं दिखाऊंगा। आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आएगा। तो बिना किसी देर के चलिए अनबॉक्स करते हैं। तो दोस्तों ये है Redmi 12C का बॉक्स, वही व्हाइट कलर में। तो ये जो वेरिएंट है मेरे पास, ये 6GB 128GB वेरिएंट है, वो भी ग्रीन कलर में। इसकी और भी कलर वेरिएंट्स आती है, वो मैं आप लोग को दिखाऊंगा। तो क्विक लुक फीचर्स में अगर देखें तो यहाँ पे हमें MediaTek Helio G85 का प्रोसेसर मिल जाता है, 5000 mAh की बैटरी है, 50MP का डुअल कैमरा है, और एक बड़ी सी डिस्प्ले हमें मिलती है 6.71 इंच की। वो जल्दी से इसकी बॉक्स को खोलते हैं, इसे कट कर देंगे। तो ये रहा, तो ऐसे धीरे से इसे निकालते हैं। तो यहाँ पे रखी हुई है हमारा फ़ोन जो कि ग्रीन कलर में है, इसे भी चेकआउट करेंगे। सबसे पहले बॉक्स कंटेंट चेक कर लेते हैं, क्या क्या मिलती है हमें बॉक्स में। तो यहाँ पे कंपार्टमेंट मिल जाता है जिसमें हमें सिम इजेक्टर टूल मिल जाती है। फिर यहाँ पे अगर निकालते हैं तो यहाँ पे कुछ डॉक्यूमेंटेशंस रखी हुई है। तो यहाँ पे हमें मिलता है एक केबल जो है USB Type-B केबल है। तो यहाँ पे एक अडाप्टर है, काफ़ी छोटा सा अडाप्टर है बिकॉज ये एक 10W का अडाप्टर है, 10W की चार्जिंग ही मिलती है हमें। बाकी तो और कुछ भी नहीं है बॉक्स में। तो फ़ोन को चेकआउट करते हैं। तो ये रहा फ़ोन, पेपर को निकालते हैं। तो प्लास्टिक बिल्ड बॉडी है, प्लास्टिक है, कोई एक्स्ट्रा हमें यहाँ पे फ्रेम नहीं मिलती है, वन फ्रेम में ही बनाई गई है। और पीछे में बहुत सी टेक्सचर्स दी गई है, और यहाँ पे हमें फिंगरप्रिंट भी मिल जाता है, बैक में फिंगरप्रिंट। आजकल तो ज़्यादातर फ़ोन्स में साइड में ही आती है या फिर डिस्प्ले में मिल जाती है हमें। तो इस पर रेडमी की ब्रांडिंग भी है। तो फ्रंट में एक बड़ी सी डिस्प्ले है। तो जल्दी से जल्दी इसकी फिज़िकल ओवरव्यू चेक करते हैं। तो नीचे में अगर हम चेक करें तो यहाँ पे हमें माइक्रोफोन मिल जाती है, चार्जिंग के लिए पोर्ट दी गई है, यहाँ पे स्पीकर ग्रिल्स है। साइड में अगर हम चेक करें तो यहाँ पे आपको वॉल्यूम रॉकर्स मिल जाती है, यहाँ पे पावर बटन है, ऊपर में आपको 3.5mm का जैक मिल जाता है। इस साइड में सिम के लिए पोर्ट्स दी गई है। और बैक में अगर हम चेक करें तो यहाँ पे आपको डुअल कैमरा सेटअप मिल जाता है, यहाँ पे LED फ्लैश, यहाँ पे फिंगरप्रिंट और रेडमी की ब्रांडिंग। फ़ोन को बूट करते हैं और आपको इसकी डिस्प्ले दिखाते हैं। दोस्तों फ़ोन हमारा ऑन हो चुका है। तो इसमें हमें मिलता है एक 6.7 इंच की एक IPS LCD डिस्प्ले, जिसकी पीक ब्राइटनेस आपको मिलती है 500 nits की, और ये एक 60Hz का पैनल है। तो 90Hz होती तो और बेटर होता, थोड़ा स्मूथ स्क्रॉलिंग वगैरह हम लोग को मिल जाती, बट इसमें हमें 60Hz की रिफ्रेश रेट मिलती है। और फ़ोन की अगर हम वेट की बात करें तो ऑलमोस्ट 198 grams की ये फ़ोन। तो आप अगर साइड से देखें तो स्लिम है फ़ोन, उतना ज़्यादा बल्कि नहीं लगता है, ऑलमोस्ट 8.7mm की थिकनेस लेके आता है। और फ्रंट में हमें मिलती है एक वाटर ड्रॉप नॉच। और अगर हम बात करें इसकी कैमरा की तो इसमें हमें डुअल कैमरा सेटअप मिल जाता है, 50MP का मेन कैमरा इसमें मिल जाता है, और एक 2MP का डेप्थ का कैमरा दिया गया है। और फ्रंट में हमें मिलता है हमें 5MP की सेल्फी। अगर हम इसकी कैमरा UI चेक करें तो नॉर्मली रेडमी के फोन जैसे ही हमें कैमरा UI मिल जाती है, जिसमें ढेर सारे आपको कैमरा मोड्स मिल जाती है, लाइक फोटो है, पोर्ट्रेट है, नाइट मोड दी गई है, रात के टाइम में अगर आप फोटोज लेना चाहते हैं तो नाइट मोड में फोटोज ले सकते हैं। मोड में देखें तो यहाँ पे आपको एक 50MP का मोड मिल जाता है, टाइम लैप्स मिल जाता है। पर अगर हम चेक करें इसकी वीडियो की तो वीडियो यहाँ पे रिकॉर्ड कर सकते हैं 720p 30fps में और 1080p 30fps में आप वीडियोज रिकॉर्ड कर सकते हैं इसकी बैक कैमरा से। तो और अगर हम बात करें इसमें लगी हुई चिपसेट की, तो इसमें हमें मिलता है MediaTek Helio G85 का चिपसेट, जो 12nm बेस्ड चिपसेट है, ठीक ठाक सा परफॉर्मेंस दे देता है, गेमिंग वगैरह भी आप कर सकते हैं इसमें, नॉर्मली गेमिंग कर सकते हैं मीडियम सेटिंग्स पे।
ज़्यादा हायर सेटिंग्स पे नहीं चलती है, मीडियम सेटिंग्स पे आप आराम से गेमिंग वगैरह कर सकते हैं, डिसेंट सा परफॉर्मेंस है, डे टू डे टास्क के लिए चल जाता है। अगर हम बात करें इसमें लगी हुई बैटरी की, तो इसमें 5000 mAh की एक बड़ी सी बैटरी मिल जाती है जिसको आप चार्ज कर सकते हैं 10 वाट की चार्जिंग से। इसमें आपको कोई भी फर्स्ट चार्जिंग नहीं मिलती है, बट इसमें आपको इनबॉक्स 10 वाट की एक चार्जर मिलेगी जिससे आप चार्ज कर पाएंगे फोन को। अगर हम बात करें सॉफ्टवेयर की, तो इसमें आपको मिलता है MIUI 13 जो कि बेस है एंड्रॉयड 12 में। वो एंड्रॉयड 13 का अपडेट आपको जल्दी मिल जाएगी इसमें, वैसे तो कोई इशू नहीं है। तो स्पेक्स में अगर मैं चेक कराऊँ आप लोग को, तो ये जो मेरा वेरिएंट है 6GB 128GB वेरिएंट है, इसकी और भी वेरिएंट्स आपको मिलेगी लाइक 4GB 64GB। बाकी फीचर्स में देखें तो इसमें आपको FM रेडियो का सपोर्ट भी मिल जाता है, फिंगरप्रिंट सेंसर बैक में आपको मिल जाएगी। तो अगर हम बात करें इसकी रैम की, तो इसमें आपको दो रैम वेरियंट्स मिल जाती है, 4GB रैम 6GB रैम। जो इसका रैम टाइप है वो हमें LPDDR4X का रैम मिल जाता है, और इसका जो स्टोरेज है वो आपको मिलता है eMMC 5.1 की। तो इसमें आपको 64GB भी मिल जाएगी, 128GB भी मिल जाएगी। तो प्राइसिंग जो है इसका काफ़ी अच्छा है, 4GB 64GB आपको मिलता है 8999 की, और जो इसका 6GB 128GB है वो आपको मिलता है 10999 की। प्राइसिंग अच्छी रखी गई है, अगर आप एक आपका बजट काफ़ी कम है लाइक 10,000 के रेंज में कोई भी एक फ़ोन आप ढूंढ रहे हैं, तो एक अच्छा चॉइस आपके लिए हो सकता है, क्योंकि इसमें आपको प्रोसेसर भी अच्छा ही मिल जाता है। G85 का जो प्रोसेसर है काफ़ी अच्छा है, डे टू डे टास्क के लिए आप नॉर्मल यूजेज में अच्छा यूज़ कर सकते हैं, कोई भी आपको दिक्कत नहीं आएगी इस फ़ोन में। साथ ही में गेमिंग में भी आप मीडियम सेटिंग्स में अच्छी तरीके से गेम खेल सकते हैं। 5000 mAh की बैटरी है, आपका अच्छा बैटरी बैकअप भी आपको अच्छा इसमें मिल जाएगा। इस फ़ोन की बाय लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहाँ पर जाके भी चेकआउट कर सकते हैं। आई होप आप लोग को ये वीडियो अच्छा लगा, अगर अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और कमेंट में अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा। और मुझे आप सोशल मीडिया पे भी फॉलो कर सकते हैं लाइक इंस्टाग्राम फेसबुक, सारे लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहाँ पे जाके भी फॉलो कर सकते हैं, क्योंकि मैं वहाँ पे अप टू डेट देते रहता हूँ मेरे वीडियोज़ का। तो टिल देन गुड बाय, फिर मिलते हैं अगली अनबॉक्सिंग।